मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 13 गुणा व भाग के तरीके के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा और भाग के तरीके में गुणा व भाग करने के विभिन्न तरीकों की जानकारी को बताया गया है। इस प्रकार इस नवाचार की यदि नवीनता और उपयोगिता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति को दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संख्याओं आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर ना बोल करके पाठ से जुड़े हुए संख्या स्थानीय मान के आधार पर गुणा वाले शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। साथ ही शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा भार की बड़ी तथा छोटी इकाइयों में संबंध स्थापित करने वाले शब्द बोलकर पाठ को दोहराया जाता है। आइए अब उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर कुल छात्रों की संख्या में अपनी क्रमांक संख्या से गुणा करके गुणनफल बताएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा 30 गुणा 1 बराबर 30। इसी प्रकार दूसरा छात्र भी बुलाया जाएगा, वह भी आएगा और वह भी इसी प्रकार से 30 गुणा 2 बराबर 60 बोलेगा। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों से पाठ में निहित कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य करते हैं तथा स्थानीय मान के आधार पर 999 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना व तुलना करने की योग्यता को छात्र समझते हैं। साथ ही दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग की संक्रियाओं को भी समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 व 10 तक की संख्याओं के गुणन बनाते हुए दैनिक जीवन में प्रश्नों की संक्रियाओं को हल करते हैं तथा भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा को भी गढ़ते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं तथा सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCERT 2005 के उद्देश्यों को पूरा भी किया गया है और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी यह नवाचार उपयोगी है। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि में शिक्षक पाठ गुणा और भाग के तरीके को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार में छात्रों में गहन सोच तथा आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हुए
इस नवाचार की बारीकियों को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।